शिवपुरी माधव चौक चौराहा और देहात थाना क्षेत्र टीआई विकास यादव ने नए साल के उपरांत से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए चेकिंग अभियान रात्रि में चलाया, जिसमें नशा करने वालों को रोककर मशीन लगाकर चेक किया गया। तो वहीं उनका उद्देश्य दो पहिया वाहन चलाने वाले चालकों में हेलमेट के प्रति जागरूकता है और शराब पीकर गाड़ियां चलाने तथा सड़क दुर्घटना में होने वाली जनहानि को रोकने के तहत अभियान चलाया गया, जिसमें टीआई विकास यादव ने नए साल के उपलक्ष्य पर लोगों को बताया कि नए साल पर कोई भी व्यक्ति नशा न करे, ना ही तेज गाड़ी चलाए, मास्क लगाकर ही घर से निकले और दूसरों को भी मास्क लगाने की समझाइश देकर कहते हुए टीआई विकास यादव ने सभी शहरवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, जहाँ पे चेकिंग करी जा रही है, किस प्रकार की करी जा रही है? ये आगामी नव वर्ष जो 31 तारीख के बाद नया वर्ष शुरू होने वाला है 31 दिसंबर, तो पब्लिक के जो नए युवा होते हैं 15 वर्ष से 35 वर्ष के लोग शराब पीकर मोटरसाइकिल पे जो वो हल्ला करते हुए घूमते हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए सिवान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन नेतृत्व में आज हम लोग ब्रीथ एनालाइजर का से सभी का टेस्ट कर रहे हैं। जो शराब पी के अगर वाहन चलाते हुए मिलता है तो उसका ये ब्रीथ एनालाइजर से शराब पीने का जो टेस्ट है वो करते हैं और उस पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये मैसेज भी हम सभी को दे रहे हैं कि 31 तारीख की रात को ये नववर्ष के का जो कार्यक्रम लोग मनाते हैं, जो मोटरसाइकिलों पर शराब पी के चल रहे हैं, वो ना चलें, नहीं उन सभी के विरुद्ध इस तरह से एनालाइजर से टेस्ट कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और नववर्ष पे सर ये जनता के लिए और आपकी तरफ से क्या मैसेज देना है? नववर्ष सभी लोग नववर्ष में सभी लोग खुशहाली से प्रवेश करें, नववर्ष को एक नववर्ष को अपना एक प्रतिज्ञा लें कि हम कानून का पालन करें, यातायात के नियमों का पालन करें, शराब पी के वाहन ना चलाएं, सड़क पर हड़दंग ना मचाएं, शांति से नववर्ष में का अपना उत्सव मनाएं और सभी लोगों को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।